दोस्तों नमस्कार, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महोगनी के बारे में। महोगनी एक ऐसा दरख्त है या एक ऐसा पेड़ है जो लकड़ी बनती है, यानी महोगनी की लकड़ी बनती है और बहुत ही कीमती लकड़ी ये होती है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये महोगनी की ताज़ा पत्ती है जो पेड़ के ऊपर जो आई हुई हैं, बिल्कुल ताज़ा, और ये पहले की पत्ती है। तो ये इस तरह की ये इसका आकार होता है। और इस पौधे की कीमत जैसे जैसे ये पुराना होता है, इसकी लकड़ी पकती जाती है, इसकी कीमत बढ़ती जाती है। यदि हम कीमत की बात करें तो 25 से 30 साल में ये पौधा पूरा पेड़ बनता है, या ऐसे बोलें कि इसका तना, ये जो तना आप देख पा रहे हैं, ये तना मजबूत लकड़ी के रूप में हो जाता है और उसके लिए इसको 25 से 30 साल की टाइम इसको चाहिए। लेकिन यदि इतना टाइम हम इसको दे देते हैं तो इसकी कीमत हम सोच भी नहीं सकते, इतनी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसकी कीमत लाखों में हो जाती है। ये आप देखें, ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है बहुत ही कीमती, और ये इसका नीचे का तना और इसको तकरीबन ये पेड़ जो है ये 3 से 4 साल का हो गया है। और इसके ये बाजू में दूसरा है, आप देखें, ये देखिए आप इसका तना। और ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे यहाँ पर दिखा सकता हूँ, जैसे ये देखें इसका ये तना है और ये इसको ऊपर जाके देखें तो ये है, और ये इसके बाजू में दूसरा है, ये देखें। तो ये बहुत सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ये देखिए लाइन से एक के बाद एक, ये सब जो है ये महोगनी है। जैसे जैसे ये लकड़ी पकती जाती है वैसे वैसे इसकी कीमत बढ़ती जाती है। और कीमती लकड़ी जो है आपको पता है उसका क्यूबिक मीटर में प्राइस होता है। और इसका एक पौधे की हम बात करें, यदि उसकी लकड़ी की बात करें तो वो 5 से 10 लाख का एक पौधा, एक पेड़ हो जाता है। लेकिन उसको 20 से 25 से 30 साल चाहिए होता है, ये जितना टाइम हम देते हैं और वो पूरा पक जाता है। आप देखें पूरा ऊपर तक मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये इतनी कीमत हमें दे सकता है। लेकिन हम इसकी बात करें कैसे ये पकता और कितनी कीमत इसकी हो सकती है, तो कम से कम 10 से 12 साल तो इसको बढ़ने के लिए चाहिए। उसके बाद इसकी लकड़ी जो इसका तना है, इस तने की मैं बात कर रहा हूँ, ये जैसे जैसे बड़ा होता जाता है पेड़, इसके अंदर की लकड़ी पकती जाती है और जैसे जैसे पकती जाती है वैसे वैसे इसकी कीमत बढ़ती जाती है। पकने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो कलर है वो गहरा रेडिश लाल होने लग जाता है और वैसे वैसे इसकी कीमत बढ़ने लग जाती है। लेकिन पहले 10 से 15 साल इसको बड़ा होने के लिए चाहिए। तो इसकी 10 से 15 साल इसको पकने के लिए चाहिए, उसके बाद में
इसके अंदर का जो तना है, इसकी लकड़ी है, वो कलर में आने लग जाती है, उस मजबूती आने लग जाती है, और वैसे वैसे इसकी कीमत बढ़ने लग जाती है। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब ये 20 साल पुराना हो जाता है तो तकरीबन एक पौधे की कीमत ही लाखों में पहुंच जाती है, एक पेड़ की लकड़ी की कीमत ही लाखों में पहुंच जाती है, क्योंकि महंगी लकड़ी है। लेकिन और ज़्यादा टाइम इसको देते हैं, वैसे वैसे इसकी कीमत बढ़ती जाती है। और ये समझें कि यदि हम इसको 15 से 20 साल में लाखों का मान लेते हैं, तो और 5 साल यानी 25 साल तक इसकी कीमत 2 से 3 लाख हो सकती है इसकी लकड़ी की, क्योंकि ये उसके बाद पकना जो है वो मजबूती के रूप में पकता है और लकड़ी कीमती होती जाती है। यदि हम 25 से 30 साल इस पौधे को पका कर इसकी लकड़ी को हम यूज करें या फिर इसकी कीमत को आंकें, तो एक पेड़ की कीमत ही 5 से 10 लाख तक जा सकती है। तो इतना कीमती ये पौधा है कि हमें लगाना चाहिए। अब ये बात करते हैं ये कहाँ लग सकता है, क्योंकि पूरे भारत में यदि हम बात करें तो ये पौधा ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में, केरला में, या फिर जहाँ पर ज़्यादा बरसात होती है उस इलाके में ज़्यादा होता है। अभी मैं राजस्थान में हूँ और यहाँ यदि हम बात करें तो तकरीबन यहाँ पर ये 15 से 20 जो है महोगनी के पौधे लगे हुए हमें यहाँ पर दिख जाते हैं। अब आपका कौन सा इलाका है, आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं और कहाँ आप लगाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। लेकिन इसको पानी ज़्यादा चाहिए, आप स्टडी इसकी कर लें, एक बार इंटरनेट पे इसको सर्च कर लें महोगनी, तो इसकी कीमत भी आपको पता चल जाएगी और इसको लगाने की जो विधि है वो भी आप समझ सकते हैं। बहुत ही कीमती है, हमें लगाना चाहिए और उसकी देखरेख यदि हम सही से करते हैं तो बहुत सारा पैसा ये पौधा हमें दे सकता है या इसकी लकड़ी हमें दे सकती है। तो आज के इस वीडियो में हमने एक अलग जानकारी प्राप्त की। कैसा लगा ये वीडियो आप अपने कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।